आप लोग देख रहे होंगे, कोरोना महामारी आई, फिर आपने देखा है कि एक नया स्ट्रेन आपके आ चुका है। हमारे देश में भी कई पॉजिटिव उससे पाए गए। अब आप लोग सुन रहे होंगे, हाल में ही वर्ल्ड फ्लू वायरस के बारे में भी काफी चेतावनी जारी कर दी गई है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ केस भी देखने को मिले हुए हैं। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि इस तरह के वायरस अब आते रहेंगे। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोगों ने जलवायु को इतने बुरी तरह से प्रभावित किया है कि इस तरह की बीमारियां हो, महामारी हो, चलती रहेंगी। अब इसका सबसे अच्छा उपाय है बचने का कि आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें, यानी कि कहने का मतलब है कि मेरा प्रतिरोधक क्षमता, जिसे आप लोग कह देते हैं। अब ये प्रतिरोधक क्षमता मजबूत कैसे होगी? एक तरह से आप समझिए कि डाइट, अच्छा खाना खाना और मेहनत करते रहना, थोड़ा हो सकता है तो बाबा रामदेव जैसा योगा करते रहना, समझ रहे हैं आप लोग? और एक बात और याद रखिए, अगर आप लोग प्रतिरोधक क्षमता क्षमता यानी कि आप लोग कहने का मतलब मेरा क्या है, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखते हैं, तो आप पर कोई भी बीमारी हो, कोई भी महामारी हो, कोई भी वायरस हो, हावी नहीं हो सकता है। एक तरह से आप लोग इससे इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम अपनी आर्मी के पास कोई स्पेशल हथियार ना दें, हम लोग ऐसे ही खड़े कर दें, तो पाकिस्तान हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं, जब भी पाकिस्तान हावी होने की कोशिश करता, हमारी आर्मी मुंह तोड़ एक तरह से जवाब देती है, और हर बार हार का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान को। और उसी जगह आप लोग सोच सकते हैं कि अगर हमारी आर्मी कमजोर होती तो आज पाकिस्तान हम पर हावी हो जाता। तो इसी तरह आप लोग इंडिया बनिए, और वायरस या महामारी या कोई बीमारी है उसे पाकिस्तान बना रहने दीजिए। जब भी वो आप पर हावी होता है, आप उसे हरा दीजिए। यही एक अच्छा उपाय है और अच्छा काम है, ठीक है? अभी हाल ही में आपने देखा होगा, कोरोना महामारी के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू वायरस को लेकर चेतावनी जारी की गई है। एक बार आपको भारत की मैप्स की स्थिति बताता हूँ। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि 370 हटाने के बाद इस तरह हमारा मैप्स हो चुका है। यहाँ आपका लद्दाख देखने को मिलेगा, यहाँ जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, यहाँ हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, इन सबको मुझे लगता है कि कंठस्थ याद रख लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आपका इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में या वनडे एग्जाम में कि मध्य प्रदेश को कितने राज्यों की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से छूती है, तो आपको याद होनी चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गांधीनगर यानी कि गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है, पांच राज्यों से इसकी सीमा लगती है। छत्तीसगढ़ को आप जानते हैं कि सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था आपका। तो इन सब के बारे में आप लोग याद रखिए, यहाँ अपने पड़ोसियों के बारे में याद रखिए। ऊपर आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा, ये पाकिस्तान है, चीन है ऊपर, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और यहाँ आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, और नीचे आपका श्रीलंका देखने को मिलेगा, ठीक है? इन सबको एक बार याद कर लीजिए किसी भी तरह से आप लोग। और मुझे लगता है कि जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या भारत के बारे में जान रहे हो, तो सभी राज्यों के बारे में मालूम होना चाहिए ना कि कौन सा राज्य कहाँ है। जब भी बात आती है कि आंध्र प्रदेश के बारे में कहने लगते हैं, तो आपकी एकाएक आपका ध्यान जाना चाहिए मैप्स पर कि आंध्र प्रदेश कहाँ है। कहीं पूछ लेता है कि आंध्र प्रदेश की सीमा किस राज्य से लगती है, तो आपका मैप पर ध्यान जाना चाहिए। वह आपको एक तरह से आपके दिमाग में ही फीड हो जाना चाहिए कि कौन कौन से राज्य से सीमा लग रही है। तो आप बताएंगे तमिलनाडु से भी लग रही है, कर्नाटक से भी लग रही है, तेलंगाना से भी लग रही है। आप लोगों ने देखा होगा तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। फिर आप करेंगे छत्तीसगढ़ से भी लग रही है, देखा है आपने, और उड़ीसा से भी लग रही है। तो आप इस तरह से बता सकते हैं किसी भी राज्य की, ठीक है? हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ केरल में पिछले कुछ दिनों में ही सैकड़ों पक्षियों की मौत के मामले सामने आए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय रामसर वेटलैंड पोंग बांध में कई विदेशी प्रवासी पक्षियों की मौत होने पर भोपाल स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने इसकी सैंपल की जांच की है, और राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान द्वारा अपने जांच के निष्कर्षों में वर्ड फ्लू वायरस यानी कि जिसे आप लोग H5N1 के नाम से भी जानते हैं, इसकी पुष्टि की गई है इसमें, ठीक है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई कौवों की मौत यानी कि जिन्हें आप लोग कोवा कह देते हैं, ठीक है, कि मौत होने पर इनकी जांच हेतु सैंपल भेजे जाने पर राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान द्वारा वर्ड फ्लू की पुष्टि भी इनमें भी की गई है। केरल में आप देखेंगे आलापूझा और कोट्टायम जिलों में वर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि भी हुई है। इसके साथ ही गुजरात के जूनागढ़ में बतख, टिटहरी और बंगला समेत 53
कितना 53 पक्षियों की मौत भी बर्ड फ्लू की आशंका व्यक्त की गई है, यह अभी क्लियर नहीं बताया गया है। ठीक है, जांच के लिए सैंपल गए होंगे, उनकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। आखिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि और सही है कि ये जानना भी चाहिए आपको कि आखिर क्या है बर्ड फ्लू। तो आप देखेंगे एवियन एवियन इन्फ्लुएंजा को बर्ड फ्लू के नाम से आप लोग जानते हैं, तो इसका दूसरा जो नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा, तो इसे भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि कई बार आपका 12वीं परीक्षा में हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से पूछे और पूछ ले कि इसे दूसरा नाम क्या है इसका। एक खतरनाक वायरल संक्रमण इंसानों और पक्षियों को अधिक प्रभावित करता है। एवियन इन्फ्लुएंजा पहली बार 1997 में हांगकांग से रिपोर्ट किया गया था। कहाँ? हांगकांग से। यह वायरस खाद्य के रूप में उपयोग किए जाने वाले पक्षियों जैसे मुर्गियों और टर्की, बटेर, गिनी फाउल आदि सहित पालतू और जंगली पक्षियों की कई प्रजातियों को प्रभावित भी करते हैं। और आप देखते हैं कि जब आप मांस के रूप में खाते हैं तो आपके अंदर भी पहुंच जाता है आसानी से। सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले बर्ड फ्लू वायरस H5N1 है, जिससे इंसान और पक्षियों की मौत भी हो सकती है। H5N1 वायरस मुर्गी पालन के लिए विशेष रूप से घातक साबित होता है। सामान्यतः यह वायरस पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन यह मानव सहित अन्य स्तनधारियों में को भी संक्रमित कर सकता है। जब कोई व्यक्ति संक्रमित मुर्गियों या अन्य संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आता है तो वह भी इस बीमारी से संक्रमित हो जाता है। और बर्ड फ्लू के अगर लक्षण की बात करें कि इसके किस तरह से आपको मालूम चलेगा कि किसमें बर्ड फ्लू देखने को मिल रहा है, तो बर्ड फ्लू के लक्षण भी सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं, लेकिन सांस लेने में अधिक समस्या और उल्टी होने का एहसास इसका विशेष लक्षण है। कुछ सामान्य लक्षण की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा बुखार और सिर में दर्द रहना, हमेशा कप रहना और नाक बहना, गले में सूजन और मांसपेशियों में दर्द, दस्त होना और उल्टी, सांस लेने में समस्या, सांस ना आना, निमोनिया होने लगता है और आंख में कंजक्टिवाइटिस होने लगता है। तो ये एक तरह से इसके लक्षण है। ठीक है, अगर इसके उपचार की अगर हम बात करें तो बर्ड फ्लू के उपचार की तो संक्रमित पक्षियों विशेषकर संक्रमण से मारे गए पक्षियों से दूरी बनाए रहनी चाहिए। बर्ड फ्लू का संक्रमण अगर फैला है तो पक्षियों के मांस से का खाद्य के रूप में प्रयोग करने से बचें, यानी कि अगर बर्ड फ्लू फैला हुआ है तो इनके एक तरह से जो भी मांस है उसे खाने से आप लोग बचें। बर्ड फ्लू के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा ओसेल्टामिविर और आपकी एक है टेमीफ्लू और जनाविविर का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों को याद रखिए। ठीक है, तो यही है आपकी वर्ड फ्लू की कहानी जो भी चर्चा में बना हुआ है। सबसे अच्छा यही है कि आप लोग अपने आप को मजबूत रखिए और अपनी मेहनत करते रहा करिएगा। आपने देखा होगा कि गांव के लोगों को बुखार भी नहीं आता है, वो क्योंकि मेहनत करते रहते हैं, वो पसीना बहाते रहते हैं। तो इसका अच्छा है कि आप लोग के पास ग्राउंड जाते रहिए, दौड़ते रहा करिएगा थोड़ा बहुत, और योगा में योगा करते रहिए रहना आप लोग। ठीक है, और अपने आप को कभी एक तरह से कमजोर मत होने देना। जब आप कमजोर होते हैं तभी आप पर हावी होने लगती है कोई भी बीमारी हो या कोई भी वायरस हो। ठीक है, और जब भी अपने घर से निकल रहे हैं तो अभी जिस तरह से जो भी सुविधा है उस सबका प्रयोग करें। ठीक है।